नमस्कार दोस्तों, तो ये मैं तीसरा, चौथा और पांचवा डायमेंशन का दूसरा वीडियो है। तो बीच में मैं रुक गया था, कोई दरवाज़े पे आके बेल मार रहा था, अब क्या करें। ठीक है, तो तीसरा, चौथा और पांचवा डायमेंशन के बारे में बता रहा था कि आप चौथे डायमेंशन में सोए हुए हैं और कनेक्टेड हैं। तो लूसीफर या शैतान का ये प्लान था कि आप जब आप मर जाते हो तो सीधे आप फोर्थ डायमेंशन में नहीं आओ, ये उसका प्लान था। क्योंकि जो भी फोर्थ डायमेंशन में आ रहा था वो उठ रहा था और देख रहा था कि मूवी ख़त्म हो गया और वो वापस चला जा रहा था। तो उसने एक बढ़िया प्लान बनाया। उसने क्या किया, उसने फोर्थ डायमेंशन का एक कॉपी बनाया। ठीक है, फोर्थ डायमेंशन का एक कॉपी बनाया जिसको उसने बोला स्वर्ग। ठीक है, और आप फोर्थ डायमेंशन से थर्ड डायमेंशन। तो क्या हो रहा था कि जब भी आदमी मर रहा था तो वो फोर्थ डायमेंशन के बजाय फोर्थ डायमेंशन के कॉपी में जा रहा था और वो सोच रहा था कि वो स्वर्ग स्वर्ग को पहुंच गया। ठीक है, तो जब वो स्वर्ग को पहुंचता तो ऐसा होता था कि कोई स्पेसशिप आया एक, क्योंकि बहुत सारे लोग जो मरते हैं वो बोलते हैं कि मैंने एक वाइट लाइट देखा है, एक टनल टाइप का लाइट देखा है जिसमें मेरे सारे बिछड़े हुए लोग, मेरी गर्लफ्रेंड, मेरी माँ, मेरे पिताजी सब आके मुझे रिसीव कर रहे हैं। तो खुशी खुशी आप, क्योंकि आप अपने सारे दोस्त, अपने भाई बहन, माँ बाप, उनको देख रहे हो तो आपको लगता है कि आप सचमुच में आप स्वर्ग जा रहे हो और आप क्या उस वाइट लाइट में आप उस स्पेसशिप में आप मतलब चढ़ जाते हो और आपको फोर्थ डायमेंशन में फोर्थ डायमेंशन का कॉपी में आप चले जाते हो और आप सोचते हो कि आप स्वर्ग पहुंच गए हो। तो वहाँ आपका एक लाइफ रिव्यू होता है और बोला जाता है कि आपने इतने बुरे कर्म किए, आपने ये किया, आपने वो किया, अभी आपके पास कोई चॉइस नहीं है, आपको फिर से जन्म लेना पड़ेगा। तो एक ज़बरदस्त रीइंकार्नेशन सिस्टम या रीसाइकल सिस्टम, पुनर्जन्म सिस्टम लूसीफर ने बनाया। और उसके सारे बेसिस बेस्ड योर ऑन योर धर्म, अगर आप मुस्लिम हैं या क्रिश्चियन हैं तो फरिश्ते टाइप के लोग आएंगे और आपको फॉल्स बातें बताएंगे, बोलेंगे कि आपने ये किया, वो किया, ऐसे ऐसे ये करके आपको ट्रैप करेंगे। अगर आप हिंदू धर्म के हैं तो आप बहुत आसान है, क्योंकि हिंदू धर्म में रीइंकार्नेशन एकदम, पुनर्जन्म एकदम माइंड में बस गया है। तो इसलिए इंडिया एक क्या बोलते हैं, एक एक्सपेरिमेंट ग्राउंड है इन लोगों के लिए, इन देवदूतों के लिए, क्योंकि यहाँ के सारे लोग मान के चलते हैं कि पुनर्जन्म सच है। एक्चुअली पुनर्जन्म एक झूठी कहानी है, पुनर्जन्म नहीं होना चाहिए, लेकिन सबके लिए होता है। अगर आप हिंदू हैं या मुस्लिम हैं या क्रिश्चियन हैं उससे कोई फ़र्क नहीं, पुनर्जन्म सबसे होता है। तो वो एक कहानी बना के आपको बोलते हैं कि आपको फिर से पैदा होना चाहिए क्योंकि आपने ये बुरे कर्म किए, ये आपका एकदम रिकॉर्ड है। तो वो फोर्थ डायमेंशन आप सोचते हैं, लेकिन वो फोर्थ डायमेंशन का कॉपी है। ठीक है, तो ये सब इसलिए होता है क्योंकि दे यूज़ टेक्नोलॉजी। कौन सा टेक्नोलॉजी, होलोडेक प्रोजेक्शन टेक्नोलॉजी। जैसे कि मैं आपको बता रहा था पार्ट वन में कि टीवी में जैसे आप देखते हैं तो आपको सब कुछ सच लगता है, मूवी पे देखते हैं तो आपको डिस्टेंसेस पता चलता है, आपको पता चलता है कि पीछे पहाड़ है, आगे हीरो हीरोइन नाच रहे हैं, तो आपको लगता है कि वो, लेकिन एक्चुअली वो पर्दा है, एकदम टू डायमेंशन पर्दा है। आप टच करेंगे तो आपको पहाड़ और हीरो दोनों एक जगह कोऑर्डिनेट्स में एक ही जगह दिखाई देंगे, लेकिन ये कैमरा का ट्रिक समझिए कि प्रोजेक्शन टेक्नोलॉजी का कमाल देखिए, आपको लगता है सब वो सच है। तो ये तीसरा और चौथा डायमेंशन का खेल ऐसे चलता रहता है, बहुत कम लोग जागते हैं एक्चुअली। पांचवा डायमेंशन स्वर्ग है और उससे ऊपर ऑब्वियसली वहाँ फॉर्म नहीं होता है। पांचवा डायमेंशन जैसे कि बाइबल कुरान, इन हिंदू पुराणों में बताया गया, बहुत ही सुंदर और फैंटास्टिक स्वर्ग है, ये है, वो है, वो वही है, पांचवा डायमेंशन में है, वहाँ कोई मरता नहीं है,
वहाँ कोई रोग नहीं होता है, वहाँ कोई खाने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप एकदम मस्त रह सकते हैं, ठीक है। तो सब कुछ अच्छा है वहाँ। अगर कोई शेर वेर दिख गया तो शेर और गीदड़ सब आपके दोस्त की तरह रहेंगे। और अगर आप पानी में तैरना चाहते हैं आप तैर सकते हैं, और वहाँ अगर कोई मछली दिख गया मछली आपसे बात करेगा। तो इतनी फैंटास्टिक दुनिया है, वो ऐसी दुनिया है जहाँ कोई मरता नहीं है, और आप अपना शेप एकदम चेंज कर सकते हैं। मतलब आप पशु पक्षु बन सकते हैं, मतलब सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, पक्षु और बर्ड्स बन सकते हैं, शेर बन सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं, ठीक है। वो पांचवा डायमेंशन है। तो वहाँ वहाँ से आप इधर ट्रैप होके आ गए इस दुनिया में, दुनिया ऑफ ड्यूअलिटी, दुनिया ऑफ गुड एंड ईविल, पोलर ऑपोजिट्स। यहाँ देखिए गुड 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 और या ईविल ईविल, हर ही हर पिक्चर में कोई ना कोई हीरो होता है जो विलन से फाइट करता है। तो सिंपल भाषा में, आम आदमी की भाषा में बताया जाए, ये थर्ड डायमेंशन दुनिया जो है इसमें हीरोज़ और विलन्स होते हैं। तो मैं महाभारत और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताऊंगा, इस टेक्नोलॉजी के बारे में बताऊंगा मेरे अगले वीडियो में। तो उसके लिए धन्यवाद।